तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओसिनियामा, जिसके अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है टूवालू। हाँ दोस्तों, ओसिनियामा जिसके अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है टूवालू। तो दोस्तों चलिए, इस देश के बारे में हम सब कुछ एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश के जो राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया से रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होते हैं, सब कुछ एक करके हम डिटेल्स करके यार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गूगल मैप की मदद से पूरे और बड़े स्क्रीन पर असल देश दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की जो बड़ा प्रभाव इस देश में पड़ने वाला है, इसलिए जो है इस देश जलवायु परिवर्तन के मंच पर जो है बहुत बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। तो दोस्तों, ये देश एक ऐसा देश है जो भारतवर्ष की तैयार हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो है 19 देशों के अंदर ये देश भी शामिल है, और ये देश जो है हर समय इंडिया को जो है सपोर्ट किया है। तो दोस्तों चलिए, हम इस देश के बारे में सब कुछ एक करके बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल में वेरी वेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, हाँ, ओसिनियामा का अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है टूवालू, जो पृथ्वी के अंदर जो है आयतन के हिसाब से ये देश जो है 192 नंबर पे आ रहा है और 193 नंबर पे आ रहा है ये देश के एक प्रतिवेशी देश। हाँ दोस्तों, ओसिनियामा का अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है नाउरू, जो 21 वर्ग किलोमीटर और ये देश के आयतन जो है 26 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों चलिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा असल में देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, असल में प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, कुछ द्वीप लेकर ये देश स्थित है। तो दोस्तों, उत्तर में जो है किरीबाती, पश्चिम में जो है भानुआतु, दक्षिण में जो है फिजी, सामोआ, टोंगा, न्यू और भी छोटे छोटे देश लेकर जो है ये देश के आसपास में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का नाम आपको नजर में आ जाएंगे टूवालू, और ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इस देश की राजधानी फुनाफुती। हाँ दोस्तों, फुनाफुती जो है इस देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। भाषा की बात करें तो टूवालियन और इंग्लिश जो है इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, और धर्म की बात करें तो ये देश क्रिश्चियन समूह एक देश है। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर 225वां सबसे जनबहुल देश जो है ये देश है, और दुनिया के अंदर जो है 194 नंबर पे आ रहा है जीडीपी की नज़र से अगर हम देखें तो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो राजधानी फुनाफुती में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और यहाँ पर स्थित है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुनाफुती इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज के डेट पे अगर हम देखें इस देश के राजा जो है चार्ल्स थ्री, क्योंकि ये देश जो है 1 अक्टूबर 1974 में जो है यूके से स्वाधीन हुआ है। हाँ दोस्तों, ब्रिटेन से जो है ये देश स्वाधीन हुआ है, और गवर्नर जनरल आज के डेट पे अगर हम देखें तो दोस्तों तोफिका भाई भालू फालानी इस देश के जो है गवर्नर जनरल, और आज के डेट पे इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है आउसिया नातानो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुनाफुती इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, जो राजधानी के बिल्कुल करीब स्थित है। तो दोस्तों, पैसे की बात करें तो टूवालियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इस देश का पैसा है, और 14 द्वीप जो है इस देश के अंदर स्थित है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो है ये देश लोकतांत्रिक एक देश है, और इस देश में जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव होता है, और 2009 में जो है दिसंबर में ये देश जो है जलवायु परिवर्तन के मंच पे जो है कड़ा रुख अपनाया था, क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जिस देश में जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है इस देश की जो है कुछ जो द्वीप है या आइसलैंड है वो जो है डूब जाने की खतरा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मालदीव के कुछ द्वीप है, वो द्वीप जो है यहाँ पर डूब जाने के भी यहाँ पर खतरा है। तो दोस्तों, इसलिए ये देश जो है 2009 दिसंबर में जो है जलवायु परिवर्तन के मंच पे जो है बड़ा करा रूप जो है वो अपनाया था। तो दोस्तों, ये देश जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जो है सदस्य है। इसके अलावा ये देश में जो सफर किया था यूके की जो है रानी द्वितीय एलिजाबेथ 1982 26 अक्टूबर इस देश में सफर किया था, और ये देश एक ऐसा देश है जो यूएन में शामिल हुआ है, 189 नंबर एक देश है जो यूएन की सदस्य बना है 2000 साल में 5 सितंबर में। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश के हर एक हिस्सा आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, और ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ फुनाफुती ये देश की राजधानी। निचले स्तर पर रहने वाला अगर हम देश देखें तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आएंगे मालदीव, और अगर हम सेकंड नंबर देखें तो वो देश आएंगे टूवालू। हाँ दोस्तों, निचले स्तर पे रहने वाला एक देश जो है मालदीव, और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे टूवालू। तो दोस्तों, ये देश के जो दूतावास हर देश में नहीं है, कुछ कुछ देश में ये देश के दूतावास है, जैसे कि फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूएस, यूके और यूरोपीय यूनियन में जो है ये देश के दूतावास मौजूद है। हालांकि अगर हम देखें तो दोस्तों इंडिया की जो राजधानी न्यू दिल्ली, वहाँ पर भी जो है इस देश के दूतावास मौजूद है, और इंडिया जो है ये देश को नेतृत्व करता है इस देश के प्रतिवेशी देश फिजी की राजधानी सुबा से। तो दोस्तों, ये देश की छोटा एक पुलिस फोर्स है, और इस देश की जो है छोटा एक सेनावाहिनी है। तो दोस्तों, भारत के कुछ प्रतिवेशी देश के साथ जो ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश 29 अगस्त 1983 में, मालदीव के साथ जो है 14 मार्च 2006 में, नेपाल में जो है 11 दिसंबर 2012 में। हाँ दोस्तों, 2012 में जो है नेपाल के साथ जो रिश्ता शुरू हुआ है, और पाकिस्तान के साथ रिश्ता शुरू जो हुआ है 2022 में। यहाँ पर देख लीजिए, ये देश के हर एक छोटे छोटे द्वीप में आपको दिखा रही हूँ, हालांकि ये देश की द्वीप की संख्या अगर हम बताएं तो दोस्तों 14 जो है इस देश के द्वीप की संख्या है।
ये देश अच्छा रिश्ता नहीं रखता है। ऐसा कुछ अगर हम देश देखें तो दोस्तों वो देश जो है ब्रुनाई, नॉर्थ कोरिया, चाइना, म्यांमार, साउथ ओमियन प्रिंसिपी, केप वर्द, बोलिविया, पनामा, यमन, ओमान, अफगानिस्तान, जमैका और भी सारे देश के साथ जो देश का जो रिश्ता अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं रखा गया है अभी तक अगर हम देखें तो दोस्तों ये देश जो है हर समय इंडिया को सपोर्ट किया है, हर समय इंडिया को समर्थन किया है। देखा गया है नवंबर 2007 युगांडा में जो है ये देश इंडिया को समर्थन किया गया है, जो बड़ा समर्थन था। तो दोस्तों 4 से 8 जनवरी 2010 इस देश में जो स्पीकर था, टूवल जो स्पीकर न्यू दिल्ली आया है, उसका नाम जो है कामुता लोतीसी, वहाँ पर आया है इंडिया। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इस देश के पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं और इस देश के नेशनल रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इस देश की जो नेशनल रहते हैं, नजर आ जाएंगे। यहाँ पर टूवालियन भाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो आदर्श वाक्य है वो भी यहाँ पर टूवालियन भाषा यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस देश जो रॉयल एंथम, हाँ दोस्तों यहाँ पर ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है, इसलिए इस देश के रॉयल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। एक ही है राजधानी, सबसे बड़ा शहर पुनापुति, और ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए टूवालियन और इंग्लिश इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें, ये देश जो है क्रिश्चियन जो में एक देश है, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश के राजा का नाम लिख दिया हूँ, गवर्नर जनरल का नाम लिख दिया हूँ और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 0% यहाँ पर पानी है इंडिया पर, 9% यहाँ पर GDP की बात करें तो 4-5 मिलियन ये इस देश की GDP, और भारतवर्ष जो है ट्रिलियन पे है। यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड देख लीजिए +688 इस देश की कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए 13,000 से ज़्यादा इस देश की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर इस देश की जो है इंडियन पॉपुलेशन 10 से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडियन यहाँ पर जो है घूमने जाता है। हाँ दोस्तों, कुछ इंडियन जो है यहाँ पर घूमने जाता है। तो दोस्तों 27 अगस्त 2013 में जो है ये देश का दूतावास न्यू दिल्ली में खोला गया है, और ये देश कहाँ पर है मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों देख लीजिए ये देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 16 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस के सम्मेलन में जो है अगस्त 2015 में जो है इस देश की जो है प्रतिनिधि आया है इटली। हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2015 में जो है इटली भारत आया है। यहाँ पर देख लीजिए वो देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों पुनापुति इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो ओमान आपको नजर में आ जाएंगे, जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों दोनों देश की विजिट तो उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि दोनों देश की बड़े बड़े मिनिस्टर जो है विजिट अभी तक नहीं किया है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ टूवालू आपको नजर में आ जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, और ये देश की जो है एक टीम मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर आ रहा है। 19 देशों के अंदर ये देश जो है एक ऐसा देश था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो है ये देश ये 19 जो पहला देश है उसके अंदर आ रहा है। तो दोस्तों ये देश की जो है फुनाफुती राजधानी के प्रतीक्षण मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसके अलावा चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की जो है अहम जगह है। यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट हाउस, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश की जो है आज के डेट पे जो प्राइम मिनिस्टर है और गवर्नर जनरल है उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। ताइवान के साथ जो इस का रिश्ता बहुत ही गहरा है, इसलिए जो है ताइवान की प्रेसिडेंट के साथ जो इस देश का इमेज भी आपको नजर में आ जाएंगे, और इस देश की जो राजधानी फोन होती है आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा इस देश की राजधानी आपको नजर में आ जाएंगे, और ये देश जो है कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्राफ के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश है कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो देश आपको यहाँ पर ब्लू नजर में आ जाएंगे वो देश के साथ जो इस देश का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, और जो जो देश यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे सफेद उस देश के साथ जो इस देश का उतना अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों ये देश जो है इंडिया का तैयार हुआ FIPIC देशों के अंदर ये देश आ रहा है, इसलिए जो है इंडिया हर साल इस देश को जो है $250,000 जो है सहायता करता है। इसके अलावा February 2012 में जो है $1,00,000 इस देश को जो है इंडिया दिया है, क्योंकि इस देश में सूखा और बाढ़ आया था। हाँ दोस्तों, इंडिया से जो जो सामान इस देश में जाता है वो जो है कह सकते हो कुछ तमाक पदार्थ और यहाँ पर जो है चीनी मिठाई जाता है, और इस देश से जो जो सामान आता है कह सकते हो वो नाव आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 2015 और 16 के अंदर दोनों देश के बीच जो व्यापार हुआ है $7,00,000 दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है। दोस्तों ये देश के अंदर एक अस्पताल है, हाँ दोस्तों 2014 एकमात्र ये देश के जो है सरकारी अस्पताल है जो राजकुमारी मार्गरेट अस्पताल नाम से कहता है, और ये अस्पताल को जो है भारतवर्ष ने जो है यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर जो अनुदान में लिया है, और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट जो है इस देश को दिया गया है, और 2014 सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो है वो इक्विपमेंट किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ऑस्ट्रेलिया हमारे देश का अंतर्गत एक स्वाधीन देश का नाम जो है टूवालू, संपर्क सब कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहली परिचय को सब्सक्राइब जरूर करना, पास मुझे भी लगाना चाहिए तो कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।